ध्वनि बेटा क्या तुम दिन भर फोन पर लगी रहती हो, आंखें खराब हो जाएंगी ना। पापा बस लास्ट लेवल। भैया गाड़ी रुको, गाड़ी रुको, गाड़ी रुको। अरे क्या हुआ? अरे भैया रुको ना, बताता हूँ। भैया चलो ना पानी पूरी खाते हैं। अरे कुछ और खाते हैं ना, ध्वनि को एसिडिटी हो जाती है उसे। अरे कोई बात नहीं, एक खा लेगी तो कुछ नहीं होगा, है ना? भैया चलो ना, तुम लोग भी ना चलो। चल चल ध्वनि आ जा। आप लोग जाओ, मैं नहीं आ रही। ध्वनि चल ना। मामा आप खा लो। ध्वनि पक्का? हाँ पक्का। अच्छा ठीक है, मैं ना तेरे लिए पापड़ी चाट लेकर आती हूँ, वो तो खाएगी ना। हाँ पक्का। ठीक है। तो भैया अच्छा था यार, कुछ भी कहो पानी पूरी खा के मजा तो आ गया। बिल्कुल भैया, ये भी बहुत पसंद आएगा ध्वनि को। हाँ ध्वनि को अच्छा लगेगा। ध्वनि, ध्वनि कहाँ गई? ध्वनि, ध्वनि आप पूछो भाई साहब, एक वो छोटी सी बच्ची थी गाड़ी में, देखा आपने? नमस्कार आदाब, मैं अनूप सोनी, क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। 10 साल की ध्वनि पलक झपकते ही कहां चली गई थी? ध्वनि देसाई के माता पिता चाचा ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। हार कर उन्होंने ध्वनि की मिसिंग कंप्लेंट गुजरात के शामला जी पुलिस स्टेशन में करवाई। पुलिस ने ध्वनि को ढूंढने की मुहिम शुरू कर दी, पर ध्वनि जैसे न जाने कितने ही बच्चे हर साल गायब हो जाते हैं जिनका कुछ पता नहीं चलता। आखिर ये बच्चे कहां गुम हो जाते हैं? दस साल की उम्र में मासूम बच्चियों को प्रथा के नाम पर जिस्म फरोशी के लिए तैयार किया जा रहा था, और उन्हें तैयार करने के लिए वो पाप का इंजेक्शन था, हार्मोनल इंजेक्शन। वो हार्मोनल इंजेक्शंस जो गाय भैंसों से ज्यादा दूध निकालने के लिए या फिर फलों और सब्जियों को अननेचुरल तरीके से विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन इंजेक्शंस के बार बार इस्तेमाल से ये मासूम नाबालिग बच्चियां जवान लड़कियों जैसी दिखने लगती हैं, और फिर कच्ची उम्र में इन्हें देह व्यापार में धकेल दिया जाता है। खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की उम्र, छोटे छोटे सपने संजोने की उम्र, हर फिक्र को मिट्टी के खिलौनों में भुला देने की उम्र में इनका जीवन एक दर्द भरा हादसा बनकर रह जाता है। कहाँ थी ध्वनि, और ध्वनि के अलावा वो बाकी दो लड़कियां कौन थी, क्या थी उनकी कहानी? रूपशी अब तक तैयार नहीं हुई, स्कूल नहीं जाना तुझे? नको ताई, मुझे स्कूल जाने में कंटाल आता है। चुप। अरे ताई जल्दी चल, ये ले बैग पकड़, यहाँ रहेगी तो वही लिपस्टिक पाउडर करेगी, चल। अरे आर्चू रूपश्री अगर डब्बा घेन जा। क्या कर रही? ध्यान से पढ़ने का आया हूँ। मुझे चोट कर आएगी, आएगी पास जाने। मैं तेरी आई हूँ समझी, मैं हूँ आई। सोना देख, यही हमारी आई है, और जैसे रूपश्री की ताई है ना अर्चना, वैसे ही मैं तेरी ताई हूँ। हाँ ठीक है, चुप हो जा, अंदर ले जा, चल। अरे लक्ष्मी ये क्या हो रहा है? अरे एक चिड़िया के पर गिर रहे हैं, दूसरी चिड़िया फूर हो रही है, धंधा कैसे करेगी? अरे अभी तो यात्री लोग के आने का टाइम शुरू हुआ है। तू अपना देखना, हाँ खुद की बोनी कैसे करेगी वो देख। मेरे पास ना मेरी अंजना है जो अच्छा खासा कमाती है, समझी? हाँ तो मेरे पास भी है ना, दासियों की रानी मेरी रूपश्री।
इस साल यही समर्पित होगी। इधर आ, तुझे काला टीका लगा दूं पड़ोसियों की बुरी नजर से बचाने के लिए। अर्जुना चल अंदर, इन लोगों की ना बात नहीं सुनने की। जा जा चलना। अर्जुना हाथ से तैयार रहने का क्या? पहले यात्री आ चुके, दिन भर पहाड़ उतर चढ़ने के बाद रात को आ रहे दासी पूजने को। सर 10 दिन हो गए, मेरी बेटी का कुछ पता लगा? आपकी बेटी को ढूंढने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, उसका फोटो भी सर्कुलेट किया है और सारे खबरियों को भी एक्टिव किया है। आप धीरज रखिए, जल्दी मिल जाएगी आपकी बेटी। पता नहीं किस साल में होगी, कैसी होगी मेरी ध्वनि। आई शपथ सारिका, ये लड़की तो एकदम स्पेशल है, तेरा भाग्य खोल देगी। जो भाग्य उगड़ेल, आजा आजा, तेरे को तेरे किस्मत का इंजेक्शन लगा दूँ, आजा। हाँ रोक, क्या नहीं नहीं, हाँ? नहीं। अरे वो रूपश्री मजे से इंजेक्शन लेके औरत बन गई है, और ये है कि इसके बदन में कोई असर ही नहीं हो रहा है। रुक जा, तुझे दिखाती हूँ तेरी। बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल बोले ना, मुझे गुस्सा मत दिला, बोल देती हो। अरे आई अभी सुबह ही तो इंजेक्शन लगाया था उसको, इतना इंजेक्शन लगाएगी तो मर जाएगी वो। ए तू चुप कर, मरती है तो मर जाए, और तू इधर क्या कर रही है? तू धंधे पे जा वरना मैं तेरे को मार डालेगी। तू निकल। अरे मौसी जबरदस्ती कैसा लग करते हैं? तू इधर ही छू, ए फूडे हो, चल इधर आ। क्या रे पोकट में चिपकम चिपके नहीं करने का, समझा ना? यात्री लाए हो मौसी, पहले बोलने का ना। अंदर आ जाओ भाऊ, ए चल लेके जैसे जाओ, चलो साहेब, ए चल चल अंदर। ताई क्या कर रहे हैं? अंदर जाके देख, चल सीख, चल 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 सीखना तेरे को, चल चल अंदर। अच्छा मेरी राजकुमारी, आज ध्यान से। हाँ अरे साहिब, अरे सुनो सुनो सुनो, अरे देखो हमारी राजकुमारी तैयार है, देखो देखो, ये देखो है ना एकदम झक्कस, हाँ दासी भोग लगाने को तैयार है। चल बेटा अंदर जाओ, जा। ओ तात्यानु, इसके ऊपर पहाड़ी वाली देवी का आशीर्वाद है। अरे सोच क्या रहे साहेब, बोली लगाओ। हाँ बोली लगाओ, बोली लगाओ। कितना पैसा? साहेब अभी इसका नत नहीं उतरा है तो पूरे 50,000 लेगी। 50,000? अरे 50,000 कुछ है हा? इसके लिए बहुत कम है। और क्या, अरे कौन कौन लगा रहा है? हाँ। अरे भाऊ हम यात्री है, सेठ जी नहीं है, कुछ समझ के बोलो। हाँ तो फिर मैं भी इंतजार करेगी। अरे कोई नसीब वाला होगा जो मेरी राजकुमारी की नत उतारेगा। हाँ इतना पैसा नहीं है हमारे पास। नहीं है ना, तो फिर निकलो यहाँ से, मैं अपनी दासी फोकट में नहीं दूंगी। अच्छा उसको छोड़ो, वो जो अंदर बैठी है ना उसका बोलो। अरे वो दासी नहीं है, रूपश्री चाहिए तो रोकड़ा लेके आना वरना निकल यहाँ से। आया बड़ा राम, बोलो चल निकल। आप ये सब देखकर हैरान हो रहे होंगे कि यहाँ हो क्या रहा है। ये गांव एक टूरिस्ट प्लेस है जहां सदियों से ये प्रथा चली आ रही है जिसके अनुसार सैलानी यहां घूमने आते हैं और फिर दिन ढलते ही वेश्यावृत्ति में लिप्त अमुक परिवार की लड़कियों जिन्हें दासी कहा जाता है विधि व्यवहार के नाम पर उनका भोग करते हैं। पुराने जमाने में श्रद्धालु दासियों को श्रद्धा पूर्वक दान दक्षिणा दिया करते थे, लेकिन फिर समय बदला और लोगों की नीयत भी, और इन समुदाय वालों ने पर्यटकों को रिझाने के लिए दासी प्रथा के नाम पर देह व्यापार और वेश्यावृत्ति का सहारा लेना शुरू कर दिया। लेकिन क्या कुप्रथा के नाम पर यहां सिर्फ इतना ही अपराध हो रहा था या फिर इस जुर्म की जड़ें कहीं दूर तक फैली हुई थी?
क्या मतलब किसकी है, सुबह से पड़ी है ऐसी। सुबह से आपने? हाँ, मैं साफ करते हैं तभी देखा था उसको। पीछे पीछे आप लोग, पीछे होइए, पीछे होइए आप लोग। सबसे पहले किसने देखा? सब मैंने देखा। ये लड़की यहाँ की नहीं लगती है, मैंने सबसे पूछा लेकिन कोई इसे नहीं पहचानता। बच्ची की शक्ल से तो लग रहा है किसी अच्छे घर की है, और ये पास में बस स्टॉप भी है, कोल्हापुर की बस जाती है यहाँ से। ऐसा लगता है सिर के कातिल ने इसको मार के यहाँ फेंक दिया और बस से निकल गया। वैसे सर, इस लड़की से मिलती जुलती कोई भी मिसिंग कंप्लेंट हमारे पुलिस स्टेशन में नहीं है, हो सकता किसी और पुलिस स्टेशन में हो, पता करता हूँ। देखिए, आप लोगों को बार बार पुलिस स्टेशन आकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी बेटी के बारे में जो भी कुछ पता चलेगा मैं सामने से फोन करूंगा। ये देखिए सर, ये लड़का बच्ची को गोद में लेकर जा रहा है, और यहां देखिए ये बच्ची अपने आप लुढ़क गई। मतलब सर, ये बच्ची पहले से ही मर चुकी थी। जूम करो, ये फुटेज का टाइम क्या है? रात 10:30 बजे का सर। ये दूसरे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है। इस फुटेज में ये लड़का इस बस में बैठता हुआ नजर आ रहा है। और ये बस कोल्हापुर जा रही है ना? राइट सर। सिर्फ एक काम करो, कोल्हापुर पुलिस से कांटेक्ट करो, ये सीसीटीवी फुटेज उनको शेयर करो। ये लड़का जल्द से जल्द अरेस्ट होना चाहिए, एक बच्ची की मौत का सवाल है। सर, कोल्हापुर से उस लड़की का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं सर। आसपास के इलाके में बच्ची के बारे में पूछताछ भी की है लेकिन कोई बच्ची को नहीं जानता। एक काम करो शिरके, उसका फोटोग्राफ आसपास के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दिया। यस सर, लेकिन उस बच्ची की डिटेल से मिलती जुलती मिसिंग कंप्लेंट कहीं भी फाइल नहीं हुई है। फिर भी ये लड़की आसपास के डिस्ट्रिक्ट की होगी। एक काम करो, महाराष्ट्र पुलिस के वेबसाइट पे जा और मिसिंग सेक्शन में इसका प्रोफाइलिंग करो। सर, सर ये रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट बच्ची की। 10 साल की लड़की के साथ रेप हुआ? सर, मैं पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के साथ ही थी। उनका कहना है कि बच्ची के साथ एक बार नहीं कई बार रेप हुआ है और इंटरवल में हुआ है। और ये क्या है? जानवरों को दिए जाने वाले इंजेक्शन उसको दिए गए थे, ऑक्सीटॉक्सिन। यस सर। और इतना ही नहीं, मौत की वजह रेप का ट्रॉमा, ब्लड लॉस और इंजेक्शन का ओवरडोज है। सर, रिपोर्ट में यह भी मेंशन है कि उसकी मौत रात 9:30 से 12:30 बजे के बीच में हुई, और बच्ची की बॉडी हमें नेक्स्ट डे मिली। मतलब उस लड़के ने उस बच्ची को जब दुकान के पीछे छोड़ा, शायद वो मर चुकी थी सर। लेकिन शिरके, जानवरों वाला हार्मोनल इंजेक्शन इस लड़के को किसने और क्यों दिया होगा? सर, मुझे लगता है कि मामला दासी प्रथा वाली बस्ती से कनेक्टेड है। दासी प्रथा वाली बस्ती? सर, एक्चुअली ये लोग अपनी नाबालिग बच्चियों को ये हार्मोन्स का इंजेक्शन देकर उन्हें बड़ा करके उनसे देह व्यापार करवाते हैं। और ये सरेआम चल रहा है, हम लोगों को पता है, फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते। सर, पुलिस ने कई बार एक्शन लेने की कोशिश की, हम लोगों ने भी बहुत बार ट्राई किया लेकिन हर बार ऊपर से प्रेशर आ जाता है। प्रथा का मामला है सर। प्रेशर का नतीजा क्या निकला? सामने है, एक 10 साल की लड़की के साथ रेप होता है, उसकी मौत होती है, वो भी हमारे पुलिस स्टेशन के एरिया में, तो इसके जिम्मेदार कौन है? हम। एक काम करो, उस बस्ती का सर्च वारंट निकालो, और जिसके भी घर में सिरिंज मिले वही इस लड़की का कातिल है। सर, कौन कौन से घर है? सर, इस गली में 2 घर हैं और घर के बाहर गुड़िया लटकी हुई है, निशानी है उस घर में देह व्यापार की, और एक घर पिछले वाली गली में। ये देखिए, एक तो ये है और एक ये है, खड़े भी हैं लोग। ये दो नहीं कर तपासा, चलो। ओ साहब, पुलिस में नया आया है क्या? वर्दी वाले इधर नहीं आ सकते, निकलो इधर से सबके सब। देखो, सर्च वारंट है हमारे पास। ए, वारंट वारंट क्या होता है हमको नहीं मालूम, चलो निकलो। हमको सब कुछ पता है यहाँ क्या चलता है, दकियानुसी प्रथा के आड़ में तुम लोग देह व्यापार करते हो ना यहाँ। चलो बरा घुसा। बाहर की महिला हमारे घर में नहीं आ सकती, हमारी कुल देवी रोस्ट हो जाएगी, निकलो। क्या दिमाग को साटे यार, छूना नहीं। हेमा काकू को फोन लगा जल्दी।
चल पीछे, हाथ पीछे, हाथ तक, हाथ पीछे, हाथ तक को लगाने का बोला ना। अरे ये सच भी चलो। बाजो, हमारी बस्ती में घुसने की हिम्मत कैसे की तुम लोगों ने? ये क्या नाटक है? ये नाटक वाटक कुछ नहीं, बोलने का सीधा निकल चलने का। चलो निकलो, हमारे पास सर्च वारंट है, हमको सर्च करने दो। ये क्या होता है रे? तुम लोग को मालूम है क्या बोल रहे हैं? हमको ऐसा कुछ भी मालूम नहीं, निकलने का। चलो हमको जाने दो, अंदर तलाशी लेने दो। ए साहब, एक बार नहीं बोला ना, समझता नहीं है? सर चलते, यहाँ से मामला बिगड़ जाएगा, बाद में देख लेंगे। ऐसे समुदाय किसी आपराधिक ग्रुप से कम नहीं होते। इन्हें पता होता है कि पुलिस ऑफिसर जब ड्यूटी पर होता है, वर्दी में होता है, तो उस पर कई किस्म की बंदिशें होती हैं, जिसका ये लोग भरपूर फायदा उठाते हैं। लेकिन पुलिस के पास भी ऐसे लोगों से निपटने के अपने तरीके होते हैं, और जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो पुलिस कई बार अनऑफिशियल तरीके भी अपनाती है, वो भी बिना वर्दी के। और तब बड़े से बड़ा बदमाश भी ये समझ जाता है कि अब उसकी खैर नहीं। और वो बस्ती वाले भी जानते थे कि पुलिस वर्दी उतार कर जब आती है तो वो किसी की नहीं होती। इस बच्चे को देखा है? नहीं साहब, ये अपने इधर की नहीं है। और इसे? नहीं साहब। जानते भी तो तुम नहीं बताते, तुमसे यही उम्मीद थी। इन तीनों लड़कियों को भी तुम इंजेक्शन देते हो ना? अरे क्या साहब, कैसे बातें कर रहे हैं आप? ये हमारी बेटियां हैं, हम अपनी बेटियों को कोई इंजेक्शन नहीं देते हैं। ये तुम्हारी बेटी है? अरे हाँ साहब, हमारी बेटियां हैं। इनका रंग रूप तो अलग है तुम्हारे से। अरे साहब, इनके बाप लोग किधर किधर के यात्री रहते हैं, हमें कैसे मालूम? तुम दिन गिनना शुरू कर दो, ये तुम्हारी कुप्रथा बंद करके रहूंगा। चलो शिरके, शिरके अपने खबरियों को बोलो, पता करो कि वो लड़की और वो आदमी, उनका इन परिवारों से क्या कनेक्शन है। पुलिस के लिए इस लड़की की पहचान बेहद जरूरी थी, और सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये लड़की श्यामल जी गुजरात से कुंदवाड़ महाराष्ट्र तक कैसे पहुंची, और इस मासूम बच्ची का कातिल कौन था। अब क्या है? तो तुम अनंत को नहीं जानती? नहीं। झूठ बोलने से पहले एक बार दोबारा सोच लो। साहब, झूठ नहीं बोलते तो क्या करते साहब? इतने सब लोगों के सामने हम कैसा बताते? वो जो लड़का है ना अनंत, वो हमारी बेटी के लिए यात्री लाता था और हमारी बेटी को लेके भाग गया। वो लड़का हत्यारा है, रेपिस्ट है। अगर भैया, हमारी बेटी का कैसा होगा अभी? अरे देवा, कहाँ रहता है, कुछ तो ठिकाना पता होगा ना उसका? नहीं ना साहब, अब ऐसे लोगों का कोई ठिकाना होता है क्या? इस बच्ची का फोटो देखो, कभी आया था वो इस बच्ची के साथ यहाँ पर? नहीं साहब, ये बच्ची को तो हमने कभी भी नहीं देखा, और ना आनंद के साथ देखा। हम तो वैसे ही परेशान है अपनी बेटी के लिए। अगर तेरा उनका उपयोग होना रहेगा, होना रहे? चल आज का हो गया, कल और पैसे लेके आना, फिर दिखाऊंगा। अरे यार दिखाना, सब आज देख लेगी क्या, कल क्या देखेगी? चल निकल। सोना को भी दिखाना ही, मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं हो सकता। हाँ मात्रे, ठीक है, मैं कांस्टेबल भेज रहा हूं, आप उसे हैंडओवर कर दीजिए। ओके, मैं चेक कर लेता हूं। सर, मोलापुर में अनंत का पता चल गया है, और उसके साथ एक लड़की भी है। सर ये लड़की हेमा की बेटी है। सर, 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 सर,
बोल बोल। और साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैंने जब धोनी को दुकान के पीछे छोड़ा था तो जिंदा थी साहब। तू झूठ बोल रहा। मैं बोलता हूँ तूने क्या किया, तूने धोनी को इंजेक्शन दिया, उसके साथ रेप किया, फिर वो मर गई, उसको दुकान के पीछे छोड़ के भागा तू, है ना? नहीं साहब, मैंने बच्चे का रेप नहीं किया साहब, और ना ही मैंने उसे इंजेक्शन दिया साहब। साहब उसे इंजेक्शन तो हेमा और युवराज देते थे, बच्चे उनके घर पर रहते थे साहब। फिर तूने धोनी को उठाया क्यों? उठाया नहीं था मैंने, वो दीपाली लाई थी मेरे पास साहब। हम लोग तो उल्टा उसे युवराज और हेमा से बचा रहे थे। और फिर उसके बाद मैं उसे अपने साथ लेकर अनंत के पास गई। दीपाली, अनंत तू इसे क्यों लेके आई साथ में? अनंत ये रो रही थी, बोली कि माँ के पास जाने का है। अब कहाँ ढूंढे इसके माँ बाप को? अनंत इसे किसी बड़े मंदिर में या अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं ना, अनंत अगर वहाँ रहेगी ना उसे या तो मेरे जैसा बना देंगे या किसी को बेच देंगे। ठीक है, लेकिन सुन, तेरा इधर ज्यादा टाइम रुकना ठीक नहीं है, तो एक काम कर ले, कोल्हापुर के लिए निकल जा, और जो मैंने एड्रेस दिया था ना उधर ही रुकना। ठीक है? ठीक है। तब बच्ची की तबीयत खराब होने लगी थी और ज्यादा टाइम तक बाहर छुपना मेरे लिए मुश्किल था, तो मैंने बच्ची को टॉयलेट के पास छोड़ दिया साहब, और मैं कोल्हापुर के लिए निकल गया। अच्छी कहानी सुना रही है तू, ये क्यों नहीं बोलती बच्ची को बेचने के लिए उसे घर से उठाया था तूने? साहब मैं तो बस दीपाली के साथ भाग जाना चाहता था, मुझे क्या पता दीपाली ने बच्ची को बेचने का प्लान बनाया होगा। तो नहीं नहीं नहीं, मेरा ध्वनि को बेचने का कोई प्लान नहीं था, वो ना जरूर उस अनंत का होगा, तभी उसने मुझे पहले कोल्हापुर भेज दिया। मैंने ना ही बच्ची को बेचने की कोशिश की, ना ही उसे इंजेक्शन दिया, और ना ही उसका रेप किया साहब। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। अब वो दीपाली का क्या है वो मैं नहीं जानता साहब। दीपाली को बुलाओ। क्या बोला तुमने? क्या बोला कि मैंने ध्वनि को भगाया क्योंकि मुझे उसे बेचना था? तूने क्या किया? मैंने इसको किसके मार दिया? ये मैंने कुछ नहीं किया। इसके माँ बाप को बुलाओ, हेमा और युवराज को, सब सच्चाई का पता चल जाएगा। वो मेरे माँ बाप नहीं है। मतलब उन्होंने मुझे 10 साल की उम्र में खरीदा था, जैसे ध्वनि को खरीदा। वो सिर्फ दुनिया के सामने मेरे माँ बाप होने का नाटक करते हैं। किससे खरीदा था साहब? ये तो हेमा और युवराज ही आपको बता सकते हैं। साहब माफ कीजिए साहब, हमने झूठ बोला आपसे। वो क्या है ना, यात्रियों के टाइम पे अगर देवदासियों के घर से बलात्कार या मौत हो गई, ये बात अच्छी नहीं है, फिर हमारे धंधे पे उसका असर पड़ता है साहब। धोनी को कहाँ से लाया सर? तब हम गोद लिया था ना उसको, हमारे पास कागज है। हाँ अरे बेटा, रडने का नहीं, काज नहीं करने का, मैं है ना उसको वेश्यावृत्ति में उतारने के लिए इंजेक्शन दे रहा था ना। तो नहीं साहब, कौन बोला? क्या क्या सबूत क्या आपके पास? हमने इंजेक्शन दिया है करके? मैं झूठ नहीं बोला, खरे संग तो साहब, चाहे तो आप हेमा को पूछो ना साहब। हाँ साहब, जब ये उस पोरगी को लेके आए ना घर पे, मैं तो बहुत खुश थी। अरे हेमा, अरे जल्दी बाहर आ जा, अरे जल्दी आ जल्दी। ये देख देवी आई है, देवी। अरे भैया कितनी सुंदर है ये लड़की। मुझे मम्मी पापा के पास जाना है। जाना? हाँ जाना, पर पहले मेरे को तेरी सेवा खातिर तो करने दे। थोड़ी देर के बाद मैं उसको नहलाने को लेके गई, उसके ऊपर पानी डाला और देखा तो मेरे को धक्का लगा साहब। उसके साथ पहले ही गलत काम हो चुका था। तुम्हारे ऊपर यकीन कैसे करें हम? साहब देवी माता की कसम खा के बोलती है मैं। धोनी को उठाया था या गोद लिया था? उठाया? नहीं नहीं साहब, हमने तो उसको गोद लिया था। हाँ, हाँ साहब। किससे? वो बताओ, तो लड़की के किडनैपिंग के चार्ज में अंदर कर दूंगा। अब उसके बाप से।
सर ये मनसुख पटेल है, सेवन स्टेट्स की पुलिस इसे ढूंढ रही है। सर पेशे से ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, इन्हीं सब चीजों में इन्वॉल्व है। मतलब ये सिर्फ कैरियर है, असली माँ बाप कोई और है। हो सकता है सर किसी ने मनसुख पटेल को बच्ची बेची हो और मनसुख पटेल ने इन्हें बेच दी। मतलब ये समाज लड़कियों को खरीदता है लेकिन पुलिस की डर के वजह से एडॉप्शन का नाटक करता है। राइट सर, आजकल ये फैशन हो गया वैश्यावृत्ति का, और वैसे भी इन लोगों की प्रथा के हिसाब से ये लोग सिर्फ अपनी बच्चियों से वैश्यावृत्ति करवाते हैं। शिरके देखो तो इस प्रथा के आड़ में जो जुर्म हो रहे हैं उसकी जड़ें कहां तक फैली हुई है। ये मनसुख पटेल हमें लड़कियों के असली माँ बाप तक पहुंचा सकता है। एक काम करो, स्टेट पुलिस को कॉन्टेक्ट करो और अपने खबरों को एक्टिवेट कर दो। ये मनसुख पटेल जहां भी होगा ना उसको उठाओ। सर ये धुनी देसाई नाम से तो गुजराती लगती है और मुंबई में बहुत सारे गुजराती रहते हैं। मैं काम करता हूँ, मुंबई पुलिस से कॉन्टेक्ट करता हूँ। गुजरात पुलिस को भी करो। जी सर, इस दीपाली और आनंद का क्या करना है? जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता उनको क्लीन चिट नहीं दे सकते हम। हेलो, मैं सब इंस्पेक्टर देवन पटेल शामल जी पुलिस स्टेशन गुजरात से बोल रहा हूँ। आपने जिस बच्ची की फोटो शेयर की थी उसकी मिसिंग कंप्लेंट हमारे पुलिस स्टेशन में पिछले 15 दिन पहले उसके माँ बाप और उसके चाचा ने दर्ज करवाई थी। ठीक है, आप कुरुंदवार आके बच्ची की बॉडी कलेक्ट कर लीजिए। ओके। हम अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि धोनी की किडनैपिंग किसने की। जब धोनी की किडनैपिंग हुई उस वक्त उसके साथ कौन कौन था? सर यही तीन लोग थे, उसके माँ बाप और उसका चाचा। किसी को कुछ पता नहीं चला, कोई शोर नहीं हुआ? सीसीटीवी में कुछ मिला? नहीं सर, वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है और जो है वो चालू नहीं। किडनैपिंग के वक्त कोई शोर नहीं, कुछ नहीं, इसका मतलब धोनी किसी जान पहचान वाले के साथ ही नहीं किए। या फिर उनका ध्यान खाने पीने में लगा होगा और किसी बाहर वाले ने किडनैप कर लिया हो। भैया चलो ना पानी पूरी खाते हैं। तुम लोग भी ना चलो। चल चल धोनी आ जाओ। आप लोग जाओ, मैं नहीं आ रही। धोनी, धोनी कहाँ गई? जिसने भी धोनी को किडनैप किया वो जरूर जानता होगा कि धोनी मनसुख पटेल तक कैसे पहुंची। हमने लोकल किडनैपर्स को भी राउंड अप किया है लेकिन वहां से कोई लीड नहीं मिली। धोनी मनसुख पटेल के हाथ बेची गई इस बात की खबर तो मिली थी लेकिन मनसुख पटेल फरार हो गया। ये धोनी के फैमिली में और कितने लोग हैं? गुजराती लोगों की फैमिली बड़ी होती है। ये धोनी के घर वालों पर और रिश्तेदारों पर नजर रखो क्योंकि ये काम किसी अंदर वाले का ही हो सकता है। एक इम्पोर्टेंट बात और कि पराग देसिया सोनल का सेकंड हस्बैंड है और धोनी का सौतेला बाप। क्या? 10 साल की बच्ची धोनी की किडनैपिंग, रेप और मर्डर का रहस्य और उलझता जा रहा था। क्या वाकई पराग ने एक अच्छे पिता बनने का दिखावा किया और बेटी को बेच दिया? उन्हें अपनी बच्ची का मृत शरीर तो मिल गया लेकिन ये नहीं पता चल पाया कि गुजरात के श्यामला जी में ध्वनि की किडनैपिंग किसने की और वो तस्कर मनसुख पटेल तक कैसे पहुंची। महाराष्ट्र पुलिस बहुत जोर शोर से मनसुख पटेल की तलाश में लग चुकी थी। इन मासूमों को दलदल में धकेलने की सजा उसे जरूर मिलनी थी लेकिन कुरुंदवाड़ में कुप्रथा के नाम पर जिस्म फरोशी के कारोबार में कोई रुकावट नहीं आई। और फिर अचानक इस समुदाय के इर्द गिर्द एक ऐसी घटना घटी कि पुलिस सकते में आ गई और ये केस ब्लैक हेडलाइंस बनकर सुर्खियों में छा गया। लक्ष्मी, तू मारी ना मेरे बेटे को, मैं तुझे छोड़ेगी नहीं। तेरी बेटी को नहीं सहमा ने मारा होगा। तेरी का क्या कर रही तू? एक तो तेरी पैसे लेगी, ऊपर से तेरी बेटी को भी मार डाला। भीड़ लगने का तुला सोच। तू मारे मेरी बेटी को, तू मारे चल, तू मारेगी तेरी बेटी, मैं छोड़ेगी नहीं तुझे, छोड़ेगी नहीं। सभी लोगों ने मेरी बेटी को मार डाला साहब। किसने मारा? सब ये लक्ष्मी साहब और ये हेमा और ये यमराज साहब।
साहब इतनी तरह मिलके मेरी बच्ची को मार डाला साहब, साहब देखो साहब ये पागल हो गए, मैं क्यों मारेगी तेरी बेटी को, हम गाय को मारेगी तेरी लड़की को, अरे देखना कैसी बोल रही है वो। साहब हमने नहीं मारा उनको, हाँ सब सच्ची बोलता है। साहब साहब ये लोग सब चलते हैं मेरी बेटी से, मैं लेके चलो पीछे चलो दूर चढ़ेगी नहीं ए लक्ष्मी में बाहर डालेगी। सर इसकी हालत देखकर तो लग रहा है कि किसी पत्थर से इसके सर पर वार किया गया। शिरके ये देख रहे हो पत्तों के ऊपर खून और बीच में से कुछ गायब है, इसका मतलब पहले पत्थर से मारा गया, बाद में पत्थर को फेंका और फिर से यहाँ से उठा लिया। सर हो सकता है कि पत्थर कहीं आसपास ही फेंका हो, ढूंढने की कोशिश करते हैं। बॉडी का पंचनामा करो, पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, सबसे अलग अलग पूछताछ करते हैं। ठीक है साहब। साहब ये लक्ष्मी और ये हेमा ये मेरी बेटी को खरीदना चाहती थी साहब, पर मैं बेचना नहीं चाहती थी साहब, बिल्कुल बेचना नहीं चाहती थी। इन दोनों के मन में खोट आ गया और मार दिया मेरी बेटी को। साहब हम काहे को मारेंगे रूपश्री को, हाँ हमने तो सारिका को 1.5 लाख रुपया दिया था रूपश्री को खरीदने के वास्ते, सारिका ने खुद ही मारा है उसको और अभी नाटक कर रहे लिए। आओ बोले ना। नहीं तो क्या हमारे पे फुकट का इल्जाम क्यों लेता है? मेरे को सच्ची लगता है हेमा ने खून किया होगा, अभी वो अपने 1.5 लाख रुपए मांगेगी और फिर नवी लड़की लाएगी, सारा टेंशन ही खत्म। गुनेगार तो सब है, इसे तो बाद में नहीं पढ़ लेंगे, सबसे पहले ये पता करो कि रूपश्री का मर्डर किसने और क्यों किया, और ध्वनि के मर्डर से उसका कुछ कनेक्शन है क्या? सर मैं सभी स्टेट की पुलिस के टच में हूँ, अभी तक इस मनसुख का कुछ पता नहीं चला। सर एक बार इस मनसुख पटेल का पता चल जाए तो धनी की किडनैपिंग, मर्डर और रेप ये केस आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये सारिका को और एक बेटी थी ना? हाँ सर अर्चना नाम है उसका। अर्चना, ये अर्चना रूपश्री से बड़ी थी, तो फिर अर्चना को खरीदने की बात किसी ने क्यों नहीं की? रूपश्री से जैसा देह व्यापार करवाते थे वैसा अर्चना से क्यों नहीं करवाया? सोचने वाली बात है सर। एक काम करो, रूपश्री का पोस्टमार्टम जिस डॉक्टर ने किया उससे बोलो उसकी एज भी आइडेंटिफाई करें, और ये जो दो परिवार है इनमें की लड़कियों से बातचीत करो, शायद रूपश्री मर्डर के बारे में वो कुछ जानते होंगे। राइट सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और तीनों लड़कियों को मेडिकल के ले जाओ। ठीक है सर। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बड़ी बात यह है कि धोनी आपकी पहली शादी से बेटी थी और अभी आपका अपना बच्चा होने वाला है, हो सकता है कि आपके हस्बैंड के सोच में कोई बदलाव आ गया हो या उन्हें धोनी एक प्रॉब्लम सी नजर आने लगी हो। साहब अगर मुझे धोनी से कोई प्रॉब्लम होती तो शादी से पहले होती, लेकिन मैंने तो शादी के बाद भी धोनी को अपने दिकरे के रूप में स्वीकार किया है साहब, और हर रिश्ता खून का नहीं होता है, कुछ मन का भी होता है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि सरेआम धोनी गायब हो गई आप तीनों के सामने और आप तीनों को कुछ खबर नहीं हुई? मुझे तो लगता है कि आप दोनों भी इस किडनैपिंग में शामिल हैं। एनएफ इंस्पेक्टर, आप इंक्वायरी के नाम पर कुछ भी नहीं बोल सकते। आपको चाहे जितना भी बुरा लगे, लेकिन जब तक मैं सच नहीं ढूंढ लूंगा आपको बार बार पुलिस स्टेशन बुलाता रहूंगा। सर बार बार पूछने से मेरा बयान नहीं बदलेगा, मैंने ना ही भैया और ना ही भाभी की हेल्प की है। सर मैं दोनों के साथ पानी पूरी खा रहा था, मैं कैसे धोनी का किडनैप करूंगा या करवाऊंगा? सर रूपश्री की पीएम रिपोर्ट। ये रूपश्री को भी हार्मोनल इंजेक्शन दिया गया था ऑक्सीटॉक्सिन, और इसकी उम्र भी ध्वनि की तरह 10 साल की थी। चिरके ये लोग तो बिंदास इंजेक्शन का इस्तेमाल छोटे बच्चों के ऊपर कर रहे हैं, हाँ और उनके शरीर का और दिमाग का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। सर लेकिन एक अच्छी बात है, रूपश्री के साथ कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हुई है। तो मर्डर की वजह भी यही हो सकती है, क्योंकि उसको भी वो मार्केट में उतारने वाले थे। सर ये रही अर्चना, अंजना और सोना की मेडिकल रिपोर्ट्स। अर्चना को इंजेक्शन नहीं दिया जा रहा था लेकिन सोना को इंजेक्शन दिया जा रहा था। यस सर, अर्चना की उम्र 15 साल है जबकि अंजना की उम्र 26 साल है। वो डीएनए टेस्ट का क्या हुआ, करवाया? यस सर, डॉक्टर ने अर्चना रूपश्री और साथ में सोना और अंजना का डीएनए टेस्ट किया है।
ये देखो मेडिकल रिपोर्ट। तुम लोग बिंदास हार्मोनल इंजेक्शन का इस्तेमाल करते थे ना ध्वनि, रूपश्री और अब सोना, इन सबके बॉडी में हार्मोनल इंजेक्शन के सिम्टम्स मिले। ये तीनों नाबालिग लड़कियां थी, ध्वनि 10 साल की, रूपश्री 10 साल की और सोना 9 साल की है। इंजेक्शन देते थे ना? हाँ तुम्हारे कान में आके बोलती थी क्या? दूसरों के बच्चों का इस्तेमाल करो, अपने बच्चों को बचा के रखो। साहब ये क्या कह रहे हैं आप साहब? जो सुन रही हो, देखो झूठ बोलने से कुछ फायदा नहीं अभी, समझी? मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट है, रूपश्री तुम्हारी बच्ची नहीं थी, अंजना और सोना ये दोनों बहने नहीं थी, अर्चना तुम्हारी बच्ची थी और उसको तुमने वेश्यावृत्ति में नहीं डाला। हाँ साहब, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरी तरह इस दलदल में रहे। मैं उसकी शादी कराना चाहती थी और चाहती थी कि वो दूसरे गांव में चले जाए, इसीलिए दूर रखा उसको इस सब चीजों से। और रूपश्री को मार दिया? नहीं साहब, मैंने रूपश्री को नहीं मारा साहब, सब वो मेरी बच्ची थी साहब, अर्चना और रूपश्री को बराबर प्यार देती थी साहब। सब ये हेमा और ये लक्ष्मी, ये दोनों जलती थी साहब मेरी बच्ची से। ए, चुप थी क्या? हो गया तेरा गाना चालू वापस से? पर कुल देवी ना मेरे को जला डाले जो मैंने तेरी बेटी को मारा है तो। ए, चुप बैठ, क्या सच है क्या झूठ है सब पता चल जाएगा, समझे ना? तुम सब गुनेगार हो, बच्चों की खरीदारी, उनको हार्मोनल इंजेक्शन देना और उनसे वेश्यावृत्ति करवाना, ये सब चार्ज लगेगी तुम पे। रॉकेल का डिब्बा लाके दू, चलाओगी अभी? चल लेके जाओ इनको सब। आखिरकार पुलिस ने प्रथा की आड़ में जिस्म फरोशी करने वाले इस समुदाय को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुलिस के पास अब भी कई लक्ष्य थे। पहला, अंजना सोना और रूपश्री जैसी लड़कियों की पहचान करना, वो कौन थी, कहां से आई थी, उन्हें उनके परिवार तक पहुंचाना। और दूसरा, इन हार्मोनल इंजेक्शन को बंद करवाना जिससे प्रथा के नाम पर ये बाल वेश्यावृत्ति खत्म की जा सके। पुलिस ने समुदाय के सभी घरों में रेड डालकर इंजेक्शंस बरामद किए और इसी रेड के दौरान उन्हें खून लगा एक पत्थर मिला। सर, अंदर एक पत्थर मिला है, खून लगा हुआ सर इसमें। सिरके, फोरेंसिक को भेज दो इसको और आधार कार्ड से फिंगरप्रिंट वेरीफाई करके देखो। सर, पत्थर पर जो ब्लड मिला था वो रूपश्री के ब्लड से मैच करता है, ये रही उसकी रिपोर्ट। पत्थर पे किसी के फिंगरप्रिंट मिले? हाँ सर, यहाँ मेंशन है। हाँ, मैंने रूपश्री को मारा। क्यों? अब तो दासी बनने की तैयारी शुरू कर दे। चल रॉय, वीडियो दिखा इसको। मैं दासी क्यों बनूं? आई तूने ही कहा था ना, मैं तेरी बेटी हूँ, मुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ कहा था, पर तब रूपश्री हमारे साथ रहती थी, अब हम उसे हेमा काकी को बेच रहे हैं। पूरे 1.5 लाख मिलेंगे इसके। अरे सोच जरा, ये 1.5 लाख रुपए और फिर तू भी तो कमाएगी, हम लोग कितने अमीर हो जाएंगे, है ना? फिर माँ ने मुझे जबरदस्ती सागर के साथ प्रैक्टिस के लिए सुलाया। मैंने तभी सोच लिया, अगर रूपश्री नहीं बिकती तो मेरा कुछ बुरा नहीं होता। रूपश्री ने मेरी जिंदगी खराब की, मैंने उसे मार दिया। रूपश्री, कल तो जा रही है ना, तो तुझे एक गिफ्ट देना। गिफ्ट? हाँ। ताई, बताओ ना गिफ्ट कहाँ है? ताई, 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 ये क्या कर रहे हो ताई? और वो पत्थर हमारे हाथ लग गया। देखो बेटा, अपराध तो तुमने किया है और इसके लिए तुम जिम्मेदार हो, वैसे ये सिस्टम भी जिम्मेदार है। इस केस से चाइल्ड ट्रैफिकिंग के एक बड़े नेक्सस का पर्दाफाश हुआ, प्रोस्टिट्यूशन ना के बराबर हो गया और उसे भी पुलिस पूरी तरह से खत्म करने के लिए तटस्थ है। बस कुछ एक विडंबना रह गई, अंजना के माता पिता ने उसे फिर से नहीं अपनाया और सोना के माता पिता का कुछ पता नहीं चला, उनकी तलाश अब भी जारी है। हेलो। हाँ सुनील जी, सारे पर्सनल एंगल खंगाल लिए हैं लेकिन कुछ नहीं मिला। मेरे पास एक खबर है, ये मनसुख पटेल का पता चल चुका है और मेरा पीएसआई उसको कुरुंदवाड़ लेके आ रहा है। तब तक तुम एक काम करो,
जिसने भी बच्ची को बेचा होगा उसको मनसुख पटेल ने पैसे दिए होंगे। बच्ची की फैमिली और फ्रेंड्स उनके बैंक स्टेटमेंट चेक करो। अगर किसी के अकाउंट में मेजर ट्रांजेक्शन हुआ है या कोई मूवमेंट हुई है तो जरूर उसी ने कुछ गड़बड़ की होगी। ओके फोटो दिखा इसको। देख, जानता है इस बच्ची को? हाँ साहब, ये वही लड़की है जिसको मैंने युवराज को 1,00,000 रुपए में नकली स्टाम्प पेपर बनाकर बेचा था साहब। जब मम्मी पापा के पास जाता। अरे बेटा, रड़ने का नहीं, काज नहीं करने का। मैं है ना, मैं तेरे को तेरे मम्मी पापा के पास लेके जाएगा। रेप किया था तूने इसके साथ? सच बता दे, 31 केस है तेरे ऊपर, 31 केस। ये केस में से छूटने वाला नहीं तू, फांसी हो जाएगी तेरे को। अच्छा काम करके मर। मालूम नहीं गलती हो गया था मुझसे, ध्वनि बहुत सुंदर थी, उसे देख के मुझसे रहा नहीं गया। मुझे मम्मी पापा के पास चलो, मुझे मैंने अकेले नहीं किया, हर बार किया था। बच्ची तुम्हारे पास आई कहां से? साहब कोई 50,000 में बेच गया था मेरे को। किससे खरीदा था? नहीं मालूम साहब, मेरी जान पहचान का नहीं था साहब। मालूम नहीं? नहीं मालूम। बोलता था आया जान में आया। बच्ची का मामा गौरव। हाँ ये सच है, मेरे कहने पर ही गौरव ने ध्वनि को मनसुख पटेल को बेच दिया। अरे ध्वनि बेटा। मामा आप? तुम लोग अहमदाबाद घूम कर आ गए? हाँ। एक काम करो, जल्दी जल्दी बाइक पे बैठ जाओ, हम घर पे जाके सबको सरप्राइज देते। हाँ, मोबाइल वहीं पे रख दो। ठीक है। आ जा। फिर मैं ध्वनि को चुपके से वहां से लेकर चला गया, उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया और उसे लेकर मनसुख के पास चला गया। लड़की तो अच्छी है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पीते हुए गल की बुरी परछाई मेरे आने वाले बच्चे पर पड़े। मैंने सोचा हमेशा हमेशा के लिए अपने पास से अपना इक्वेशन तोड़ दूं। बस तोड़ दिया। नतीजा क्या निकला? तुम्हारा बच्चा अभी जेल में पैदा होगा, पति का प्यार छूट गया और एक बच्चे की मौत हो गई। ये सुनकर भी रूह कांप उठती है कि एक मां ने अपनी बेटी को बेच दिया। लेकिन ये अपराध करते वक्त सोनल के हाथ कांपे नहीं। जाते जाते हम बस इतना ही कहेंगे कि कुप्रथाओं को परंपरा समझकर उन्हें चलते रहने देना समाज के साथ नाइंसाफी है और इनसे मुक्ति समाज और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।